हूँ, आई एम खुर्रम खिलाफ। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ। मैंने पहले जो है 9 ईयर्स मैंने सर्व किया सुपीरियर ग्रुप में एज ए मैनेजर एचआर। उसके बाद 3 ईयर्स की मेरी सर्विसेज हैं एस्पायर ग्रुप के साथ हेड ऑफिस में एज ए मैनेजर एचआर। फिर मैंने सहारा ग्रुप में, सहारा जो सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट है इनका, सहारा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एज ए मैनेजर एचआर सर्व किया। और अभी रिसेंटली मैंने अभी ज्वाइनिंग दी है यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेटिक्स कॉलेज के मालिया कैंपस में एज ए प्रिंसिपल, और जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ये बाकी टास्क ये भी होंगे सामने। अभी आज हम जो मेन हमारा जो टॉपिक है दैट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस पे हम अपना ये लेक्चर हम पढ़ेंगे। इसमें ये आपके कोर्स का जो है ये कोर्स सब्जेक्ट है, इसके 3 क्रेडिट आवर्स होंगे। 3 क्रेडिट आवर्स में आपके जो इसमें जिस सारा आपका थ्योरी का ही होगा, जिसकी मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ आपके, आप बल्कि आपने तो एग्जाम दिए, आप थर्ड सेमेस्टर तो पास करके हुए हैं। इसके भी इसी तरह मिड टर्म और फाइनल टर्म की वैल्यूएशन होगी। मिड टर्म की वैल्यूएशन हमारे पास ही है जिसकी 20% की वेटेज होती है, और फाइनल टर्म की जो है वो जो इसके टोटल मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स होंगे। 3 क्रेडिट आवर्स के 60 मार्क्स होते हैं। इसमें आपका जो फाइनल का पेपर होगा वो 48 मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स का जो आपका जो है वो सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे जो उसमें 5 to 6 मार्क्स ईच के होंगे। उसके अकॉर्डिंग ये आपके पेपर के ब्रेकअप होगा। अब सबसे पहले अगर स्टूडेंट कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कैसे मैसेज करेगा मुझे, वो प्लीज अलीसा वो गाइड कर दें उसमें, ताकि मैं अकॉर्डिंगली उनसे जो इनके क्वेश्चंस ले सकूँ, मैं इनसे पूछ भी सकूँ कि ये अभी एचआरएम के बारे में किसी को कोई नाउ हाउ है कि व्हाट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी को कोई इंफॉर्मेशन कोई जानता हो इस बारे में, किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो अपना हैंड रेज कर ले, तो फिर उसको अनम्यूट कर देंगे, वो अपनी की बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई जानता है एचआरएम क्या होती है, व्हाट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो एचआर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है, चाहे वो लोकल हो, आपकी नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो, ठीक है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपल्सरी होता है, जिसका मेन रोल सिर्फ स्टाफ के साथ होता है। मैं अगर आप किसी कॉलेज की भी बात करूँ, यूनिवर्सिटी की भी बात करूँ, उसमें भी अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो उसका रोल सिर्फ स्टाफ के साथ होगा, उसका स्टूडेंट के साथ कोई कंसर्न नहीं होगा, ठीक है, या उसका प्रोडक्शन के साथ कोई कंसर्न नहीं होगा, ठीक है, उसका स्टाफ के साथ मेन रोल होता है। इसके हम एचआर की हम स्लाइड्स शेयर करते हैं, मैं आपको उसमें अकॉर्डिंगली एक बार स्लाइड्स से गाइड करता हूँ कि भी कैसे। गिव मी अ मिनट, होस्ट प्लीज एक्टिव करें इसमें मुझे स्लाइड शेयरिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा चैप्टर फर्स्ट है आज का, जो हम इसमें स्टडी करेंगे, और इसके जो मेन जो आज हम, और सेकंड जी है कॉम्प्रिहेंड 4 फंक्शंस जो हैं इसके एचआरएम के, जो मेन जिसे 4 फंक्शंस कहा जाता है एचआर के, हम वो देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम हम डिस्कस करेंगे, इसके जो की रोल्स हैं जो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है वो हम डिस्कस करेंगे, और एचआर मैनेजर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका ये वर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको हम ब्रेक करते हैं 3 पार्ट्स में, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ह्यूमन, ह्यूमन द ह्यूमन में इंसान, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, वी देन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो आपकी इक्विटी है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो डेट्स हैं जो आपने उधार में रकम ली है, अर्निंग्स हैं आपकी सिलेक्टेड बाय ईयर, ये जो भी फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं सारी जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चीज़ें लगा रहे हैं, वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। देन आपके फिजिकल रिसोर्सेज जो जिनकी एग्जिस्टेंस शो हो रही होती है, मीन्स आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, आपके व्हीकल्स,
आपके अदर मटेरियल जो भी जो हार्डशिप में मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन में, फर्नीचर बाकी चीजें सारी, ये सारी आपके जो है ना ये फिजिकल रिसोर्सेज होंगी आपके, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, और उसमें आपकी जिसमें गुडविल भी इसे हम कह सकते हैं इसमें आती है, आपके रिलेशंस किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपके रिलेशंस हैं, ठीक है, आपका लेवल ऑफ ट्रस्ट, आपके एम्प्लॉइज का जो ट्रस्ट लेवल है आपके साथ, आपके कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है, ये सारी चीजें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज में आती हैं। देन आते हैं जी ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके जो आपका स्टाफ है उनके जो रिसोर्सेज, उनमें उनकी जो चीजें शामिल होती हैं उसमें आपके इंक्लूड होती हैं उनकी उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, जिसे के एस ए भी कहते हैं, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज, के एस ए, ये आप नोट कर लें कि ऐसे नॉलेज स्किल्स एबिलिटी, ये नेक्स्ट भी ऑनवर्ड आपसे डिस्कस होता रहेगा साथ साथ। इसमें आपके स्किल्स एबिलिटीज, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपके अदर वर्क्स करेक्टरिस्टिक्स जो भी आपके, इसमें सारी चीजें ये आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। तो टोटल रिसोर्सेज हमारे कितने हुए, चार, जिसमें फाइनेंशियल, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और ह्यूमन रिसोर्सेज। देन हमने पहले दो चीजें डिस्कस कर ली, ह्यूमन और रिसोर्सेज, अब करते हैं डिस्कस मैनेजमेंट। जो भी आपके टास्क हैं उन्हें लोगों के साथ मिलकर या लोगों से आप किस तरह से अच्छे से परफॉर्म करवाते हैं, वो मैनेजमेंट है, जिसे हम देखेंगे टीम वर्किंग, उसे ही सारी वही आपको बात की ना मैंने, क्योंकि लोगों के साथ मिलकर या लोगों से काम को करवाने को मैनेजमेंट भी कहते हैं। जो कहते हैं ना मैनेजर क्या काम करता है, मैनेजमेंट मैनेजर लोगों से काम करवा रहा होता है तो या उनके साथ मिलकर कर रहा होता है। इसको हम डेफिनेशन को देखते हैं, मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड, काम को कैसे मुकम्मल करना है। आगे क्या जी हमारा, विद एंड थ्रू अदर पीपल्स, किस चीज के लिए ये काम, किस चीज के लिए मुकम्मल हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेट जो पर्पस है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए हम काम लोगों से करवाएंगे या लोगों के साथ मिलकर करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट। तो हमने तीनों चीजों को लहदा से देख लिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि एचआरएम की कलेक्टिवली डेफिनेशन क्या बनती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द डिजाइन ऑफ फॉर्मल सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टैलेंट। सबसे पहले क्या जी, टैलेंट, किनका टैलेंट है, ये स्टाफ का टैलेंट है, कि उसको हम अपने रिसोर्सेज को, अपने सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करें, डिजाइन द फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर, किस चीज की इंश्योरिटी क्या हो, कि वो जो हमारा टैलेंट है, हमारे स्टाफ का जो टैलेंट है उनको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो इस तरह से यूज किया जाए कि हमारे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो, ठीक है। इसको हम एक और डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे आप प्रोडक्शन साइड पे हैं, चाहे आप सर्विसेज दे रहे हैं, या आप डायरेक्ट सेल के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी भी चीज के साथ है, उसकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी हो। किस तरह प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम करने के साथ साथ आपने कॉस्ट जो है, जो उस पर कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट है या सर्विसेज पे कॉस्ट है, किसी भी चीज पे जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करना है साथ में। ये दोनों चीजें कैसे होंगी, बाय पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस। मैं ये समझूंगा कि भी अगर मैंने एक एम्प्लॉई जो जिस सीट का डिजर्व करता था उसको उसी सीट पे रखा है, तो फिर ही वो अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम दे सकता है, तभी वो जो है ना वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। मैं अगर आप जो है वो सी एस के स्टूडेंट्स हैं, तभी सभी ठीक है, मैं किसी अकाउंटेंट को बिठा दूं ये सी एस की सीट पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, क्या वो कर सकेगा, नहीं कर सकेगा वो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनेंगे, आपने स्पेशलाइजेशन में जाना है, कोई प्रोग्रामिंग करेगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, कोई नेटवर्किंग की साइड पे जाएगा, आपको मैं किसी अकाउंट्स की जॉब पे बिठा दूं कि आपने ये अकाउंट्स मैनेज करने हैं, तो आप कर सकेंगे, नहीं, ठीक है। इसी तरह किसी मार्केटिंग के बंदे को मैं किसी और फील्ड में बिठा देता हूं तो वो नहीं काम कर सकेगा। इसी तरह से इसमें जो ये डेफिनेशन इसकी ये मेन जो बनती है, अगर मैं एक लाइन में से समराइज करूं, पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज कॉल्ड एचआरएम, ठीक है। तो इसी में इसको मैं अपनी ये डेफिनेशन को हम रिवाइज कर रहे हैं,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं. अब ये हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देख लिया, उसको ब्रेक करके और उसकी डेफिनेशन देख ली. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई कहाँ से, किस तरह से इवॉल्व हुई, क्यों इसकी जरूरत पेश आई, वो हम देखते हैं. एवोल्यूशन ऑफ एचआर. एवोल्यूशन में किसी भी चीज की कोई भी इर्तका होता है ना, जैसे कि कोई चीज शुरू कहाँ से हुई और क्यों इसकी जरूरत क्यों पेश आई. सबसे पहले एक क्राफ्ट सिस्टम था जो 1600 और 1700 के दरमियान था, जिसमें जैसे हम कहें कि इंडस्ट्रीज नहीं थी, तजारत नहीं होती थी, जस्ट वो जो है ना वो बार्टर सिस्टम पे चीजें चल रही थी. लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, प्रोडक्शन स्मॉल लेवल पे थी, तो जस्ट बार्टर के साथ चीजें एक्सचेंज होती थी, तो इसलिए कोई इसकी प्रॉपर चीजें थी ही नहीं. देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों की नीड्स बढ़ी, ठीक है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई. तब हमने देखा कि इंक्रीज हुई तो चीजें कुछ चीजें मैनेज भी होनी चाहिए ना. पहले चीजें साथ साथ जो बन रहा था साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हर चीज हो रही थी. जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके साथ ये जरूरत पेश आई कि जो है ना वो चीजें प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए. ये क्राफ्ट सिस्टम था पहले. फिर अगर आपने मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा, मैनेजमेंट में ये चीज को साथ में ये ना इसको बैक करता है वो. और उसके बाद सेकंड जो आया साइंटिफिक मैनेजमेंट. अर्ली 90s में जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो साइंटिस्ट ने ये इस चीज को प्रसीव किया कि जनाब चीजें जो है ना वो प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए, उनका कोई एक सिस्टम होना चाहिए. उसमें ये चार पॉइंट्स जो है ना ये जो मेनली डिस्कस हुए, ये भी कोई भी काम करने के लिए कोई एक बेस्ट वे जो है ना वो चूज किया जाए. पहले अगर हमें प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन डिफरेंट तरीकों से हो रही थी, ठीक है. कोई भी काम मुकम्मल करना है तो वो दो तीन तरीकों से, मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, अभी कोई भी काम है, आप भी कोई करते होंगे, ठीक है. हर बंदे का अपना तरीका डिफरेंट हो सकता है कि मैं इस चीज को इस तरह से मुकम्मल कर रहा हूँ, कोई किसी और तरीके से कर रहा होगा. हर एक ने अपने ईज के लिए जो है ना वो कोई भी कोई तरीका निकाला होता है कि मुकम्मल करने के लिए, ठीक है. और लेकिन इसमें जो है ना ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये चीज इंट्रोड्यूस हुई, इस चीज का जो है वो डिसाइड किया गया कि कोई भी काम करने के लिए एक तरीकाकार होना चाहिए, उस पर ही सभी एक काम को मुकम्मल करें. कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, सेलिंग हो रही है, सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो पहले से हम एक स्टैंडर्डाइज वे चूज कर लें, उसके मुताबिक करेंगे. फिर पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस ऑन द राइट जॉब मीन्स विद करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. कि उसके पास सिर्फ यही नहीं है कि पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस कर दिया, जब तक उसे आप जो एक्यूरेट जो उसे रिक्वायर्ड टूल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं देंगे, वो काम नहीं कर सकता. मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस में भी एक एचआरएम का एक्सपीरियंस है, ठीक है. मतलब उसमें भी मैंने मैनेजर एचआर के तौर पर काम किया हुआ है. तो मैं अगर आपको, आप में से स्टूडेंट सारे जो है ना वो आईटी सेक्टर के, मैं आपको आपसे रेलिवेंट एग्जांपल्स दूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी रहे. मैं आपको आपके उसके लिए चूज कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मैंने आपको अपॉइंट कर लिया, लेकिन आपको जो है ना उसमें आपकी वर्क प्लेस पे भी बिठा दिया. जो आपको रिक्वायर्ड सिस्टम था मैंने वही नहीं दिया. क्या आप उसको प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? क्या आप वही सिस्टम जो आप एज ए स्टूडेंट यूज कर रहे हैं अपना लैपटॉप, क्या आप उसी को ही एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर उसको कर सकते हैं? उसमें आपको जो है ना बेस्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जो बैकअप पे जो है ना उसका प्रोसेसर ये बाकी चीजें सारी उस तरह से रिक्वायर्ड होंगी. मैं अगर आपको वही नहीं देता तो क्या आप टास्क परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं. इसी तरह मैं अगर किसी मैनेजमेंट प्रोफेशनल को जो है ना वो किसी और टास्क पे लगा देता हूँ, मैं मार्केटिंग के लिए भेज देता हूँ, या मार्केटिंग वाले बंदे को अपॉइंट कर लिया मैंने, मार्केटिंग की पोजीशन पे किया और मैंने उसे बाहर जाने के लिए उसे कोई व्हीकल ही नहीं दिया. मैं कहता हूँ जनाब आपने मार्केटिंग करनी है मेरी प्रोडक्ट की, ठीक है, मेरा मोबाइल है वो आपने सेल आउट करना है, ठीक है, लेकिन ऑफिस में बैठ के करें, कैसे करें? नहीं कर सकते. तो उसको अगर बाहर मैंने भिजवाना है, मैंने चीजें करनी है, तो मुझे उसके लिए उसे व्हीकल देनी पड़ेगी, उसको मैंने बताना पड़ेगा, एक वे मैप देना पड़ेगा कि आपने किस किस एरिया में मूव करना है, हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ पे होगी. तो मुझे ये सारी चीजें जो उसे राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी देने पड़ेंगे. फिर हैविंग ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डूइंग ए जॉब, एक हमने एक स्टैंडर्ड मेथड बना लेना है, ठीक है, एक चीजों का जिसे SOP कहते हैं ना. SOP का पता है किसी को किस चीज का एब्रीवेशन है? ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किस चीज के लिए होते हैं? आप कोई चीज खरीदते हैं, इवन मोबाइल ही परचेज करें,
तो मोबाइल परचेज करने में आपको एक मैनुअल बुक मिलती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सी चीज खरीदे उसके साथ एक मैनुअल मिलता है? जी सर। उसे एसओपी कहा जाता है। एसओपी में उसमें लिखा होता है, हर चीज का लिखा होता है कि भी क्या प्रेस करेंगे तो उसे क्या फंक्शन ऑपरेट होगा, इस चीज से क्या चीजें होनी है, यूज करने के इंस्ट्रक्शंस। तो ये और इसी तरह जैसे ये मैनुअल है ना, इसे यूजिंग मैनुअल भी कहते हैं, इसी तरह कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, ये बनाने के लिए भी इसके एसओपीज होते हैं। मैं एज ए एम्प्लॉई हूँ तो मुझे ऐसे नहीं कह दिया जाएगा कि आप बैठे और ये प्रोडक्शन शुरू कर दें। बताया जाएगा कि भी किस चीज का कितना एसओपी है। या मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में भी हूँ ना, रेस्टोरेंट का एक जो कुकिंग मैनेजर होता है, कुक जो होता है, उसके पास भी प्रॉपर हर डिश के एसओपीज होते हैं कि भी किस में आपने कितना साल्ट डालना है, ठीक है, किस चीज में आपने कितना उसमें जो है ना, वो अगर आप मीट बना रहे हैं तो मीट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, और वो उसी क्वांटिटी में डालता है, ठीक है। और ये भी चीज है कि भाई किस चीज को पहले कुक करना है और किस चीज को बाद में उसमें इंक्लूड करना है। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर के प्रॉपर एसओपीज होंगे कि भी किस तरह से प्रोग्रामिंग किसकी पहले करनी है, उसका फ्रंट एंड कैसे बनाना है और बैक एंड पे कैसे उसमें वर्किंग होनी है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलकर उसके बाद उसका जो है फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, उसका लेआउट क्या होना है, उसका डिस्प्ले में क्या चीजें होनी है, तो वो सारी एक स्टैंडर्डाइज वे में चलेंगी, ठीक है। तो वो उसका प्रॉपर एक एसओपी होता है, ठीक है, उसको इसलिए कहते हैं कि भी चीजों के लिए। और फिर प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू द वर्कर। मैं आप लोगों से काम करवाता रहा कि जनाब ये काम करना है और आपको इसमें शुरू हो रहा है, जिसमें ये काम मुकम्मल करने के बाद ये चीजें, ये काम मुकम्मल करके मुझे दे दो, और कोई आपको उसका इंसेंटिव ही ना दो, तो क्या आप काम करेंगे? आपको सैलरीज ना मिल रही हो, ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम तक काम करेंगे ना, कि बाकी तो जब तक आपकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं पूरी होंगी, आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तब तक जो है ना वो कोई भी वर्कर जो है ना वो मोटिवेटेडली काम नहीं करेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ये चार जो है ना पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, कोई भी काम करने के लिए कोई एक वे हम तलाश कर लें, उसी के मुताबिक सारे वर्कर्स उस पर काम करें। और सेकंड, जो लोगों को उनकी राइट जॉब पे तो बिठाना है, लेकिन उनको साथ में राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी देने हैं, तभी वो काम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। फिर हर चीज के लिए एसओपीज होने चाहिए। अभी अभी सबने एसओपीज का नाम इसलिए भी सुना होगा, अभी ये कोरोना के लिए जो इंडस्ट्रीज ओपन हुई हैं, उनको साथ में ही उन्हें बता दिया गया कि भी आपने ये एसओपीज अडॉप्ट करने हैं, आपको इतना सोशल डिस्टेंस रखना है, आपको साथ में सैनिटाइजर साथ में यूज करना है, ठीक है, किसी को भी आपने मिलना है तो आपने शेक हैंड नहीं करना। तो ये एसओपीज जैसे ये हैं, इसी तरह हर चीज के एसओपीज होते हैं। एसओपीज बनने हैं, फिर उसके बाद उन्हें अपने इंसेंटिव्स जो है ना वो लाजमी देने वर्कर्स को, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। फिर जो थर्ड एरा जो आया था वो 1920 से 1930s तक में था, उसमें ह्यूमन रिलेशंस पे बात हुई कि आपने ह्यूमंस के साथ आपस एक दूसरे को इंटरेक्ट कैसे करना है। एक एक बंदे को काम दे दिया, ये नहीं, ऐसे नहीं काम होता। लोग जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, तब तक वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं होती। इसमें दो स्टडीज थी, हॉर्थन स्टडीज, ठीक है, और MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। हॉर्थन स्टडीज में एक एक्सपेरिमेंट था, ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल ने किया था, उसने जो पहले लोगों को अलहदा अलहदा से काम दिए, ठीक है, और टास्क टाइम बाउंड कर दिए कि इस टाइम में मुकम्मल करने हैं। फिर दूसरा उन्हें रिलैक्सिंग वर्किंग आवर्स दे दिए, जो दूसरी स्टडी थी उसमें रिलैक्सिंग वर्किंग आवर्स दिए, और लोगों को कहा कि आप मिलकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन में जब चेक किया गया, तो जो लोगों ने मिलकर काम किया था, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में काम किया था, बातें कर सकते थे, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते थे और एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते थे, उसमें जो रिजल्ट्स थे वो इंडिविजुअल वर्किंग से बहुत अच्छे थे, ठीक है। और बाकी पहले ये डायरेक्शन चलती थी सीधे सिंपल सी, कि भी जो आपको एक हेड ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गई, जो आपको बॉस ने कह दिया, आपने वही करना है, ठीक है, उसमें आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। लेकिन ये ह्यूमन रिलेशन जो एरा आया था, उसमें यही चीज इंट्रोड्यूस हुई थी कि आप एम्प्लॉई को जो है ना वो अपने डिसीजंस में पार्टिसिपेट कराएं, आप इसको साथ में इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको बेहतर चीजों को ऑन भी करेगा। मुझसे अगर पूछा जाए कि फरम साहब आपने ये काम, ये हम यही काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी राय इसमें क्या होगी, आप बताएं कि इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आप अगर आप अपना मशवरा देते हैं, मुझसे मशवरा लिया जाए, तो मैं उसको
इस चीज को ओन भी करूंगा कि यार ये काम है मुझसे भी पूछा गया था तो ये मेरा ही काम है। तो इसमें यही चीज थी, इसे हम MBO भी कहते हैं, हम इसके डिटेल से आगे बढ़ेंगे भी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन प्रोग्राम भी कहते हैं कि इनके एम्प्लॉयज को भी साथ में इन्वॉल्व किया गया इन चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एरा देखते हैं, बिहेवियरल साइंसेस। बिहेवियरल साइंसेस उसके बाद ये पहले हमने सिंपली चीजें देखी, पहले हमने देखा कि क्राफ्ट सिस्टम था, कुछ नहीं था, सिर्फ जो बार्टर सिस्टम के तहत चीजें चलती थी। फिर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हुई, चीजें थोड़ी स्टैंडर्डाइज हुई, वेट लॉस किया गया। फिर ये देखा गया कि भी हमें लोगों के रिलेशन इंट्रैक्शन की भी जरूरत है। फिर जो चीज देखी गई कि भी लोगों के काम करने के स्टाइल के साथ साथ उनके बिहेवियर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि भी हाउ यू बिहेव टू योर वर्क। ठीक है, एक स्टडी की गई जिसमें स्टडी ऑफ एक्शन के लोग अपने काम पे किस तरह से बिहेव करते हैं और उनके बिहेवियर को चेक किया गया उनके बिहेवियर साइंसेस में देखते हुए, और लोगों को ये कहा गया कि ये जो एम्प्लॉयज हैं ये आपका एसेट है। ठीक है, ये आपकी जो है ना, जैसे आपके बाकी एसेट्स है ना, जैसे हमने बताया था कि इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फर्नीचर एसेट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में बाकी आपकी बिल्डिंग एसेट है, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एसेट है। ठीक है, इस तरह जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपका एसेट है। ठीक है, आपका असासा है, उनका बिहेवियर का बाकी चीजों का आपने उसी तरह से ख्याल करना है। बिहेवियरल साइंसेज के बाद पर्सनल मैनेजमेंट जो है इंट्रोड्यूस हुई। पर्सनल इसमें जो था वो उसमें ये कहा गया कि इसमें ऑपरेशनल प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में जो कहा कि उसमें, लेकिन ये तमाम चीजों में नहीं, सिर्फ जो ऑपरेशनल टास्क थे उनमें जो है ना, वो इसमें जो है ना स्टाफ को साथ में इन्वॉल्व किए गए। ठीक है, टास्क थे पहले तो उसमें हमने ये लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि एम्प्लॉय रिलेशंस को देखा गया कि आपस में वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, दूसरे सभी बाकी चीजें कर सकते हैं। इसमें जो है वो साथ में आपको जो है ना ऑपरेशनल प्लानिंग में इन्वॉल्व किया गया, आपको डिसीजन मेकिंग में साथ में इन्वॉल्व किया गया। लेकिन इसमें ये कि इसमें क्लियरली इसमें इनकॉर्पोरेट जो ऑल एक्टिविटीज थी HR की उसमें नहीं था, साथ किया गया उसमें साथ में इन चीजों में जो है ना वो ऑपरेशनल चीजों में इन्वॉल्व किया गया। देन इसी को हम उस वक्त हम कहते थे पर्सनल मैनेजमेंट। फिर जो है वो नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी जो चीजें जो साथ में बाकी चीजें तो ऑपरेशन में तो आप ऑलरेडी थे ही साथ, इसमें आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपके एम्प्लॉयज को बाकी चीजों को या HR मैनेजर्स को साथ में इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको साथ में इन्वॉल्व किया गया कि भी आप बताएं कि भी कोई भी हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप बताएं कि उसमें जो है वो क्या आपकी एक्टिविटीज क्या होंगी या हम इसको किस तरह से अच्छे से मुकम्मल कर सकते हैं, और बाकी भी जितने भी डिसीजन थे कॉर्पोरेट डिसीजन थे उनमें साथ में शामिल किया गया, उसमें ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व किया गया, करियर डेवलपमेंट में EEO कुछ स्टूडेंट बता सकता है कि EEO क्या होता है? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किस चीज को कहते हैं? चले मैं आपको बताता हूँ, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में चीजें आती हैं जिसमें सबके लिए सबको जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे कुछ जॉब्स पे होता है ना, आपने पढ़ा होगा जी फीमेल्स ओनली, फॉर मेल्स ओनली, फॉर दिस एज सेक्शन ओनली, ठीक है, फॉर मिलिट्री स्पेशलिस्ट ओनली। ठीक है, इसमें जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इसमें जो है वो सारी चीजें कहा जाता है कि भी आपके लिए सबके लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो मेल भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, किसी एक खास रीजन का बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। हमारे पास मोस्टली जो चीजें आ रही होती है उसमें कुछ पोजिशन के लिए कहा जाता है कि जस्ट वो लोकल लोग जो है ना वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लेकिन इसके लिए ओपन इन्विटेशन, सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज इक्वल है। देन इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट, अब जो अपग्रेडेड फॉर्म HR की जो है उसमें ये है, इसमें क्या जी, उसमें वो कहा जाता है कि भी मैनेजमेंट और इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज जो है दोनों को डायनेमिक होना चाहिए। डिफरेंट चीजें जो नई चीज आ रही है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अपने जब तक आप कोई भी चीज अडॉप्ट नहीं करते, चेंज को अडॉप्ट नहीं करते तो आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं, आपकी वो वैल्यू रहती नहीं है। सबसे पहले अगर आपने कुछ जी इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट में हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन को और जो है ना वो स्टाफ को दोनों को जो है ना वो डायनामिक होना पड़ेगा, जो नई टेक्नोलॉजीज जितनी आ रही हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कोडेक था या जो हम पहले जो जितने भी हम यूज कर रहे थे पिक्चर बनाने के लिए कैमरा जो यूज होता था वो साथ में उसके रील के साथ होता था, कोडेक का या तोशिबा नोकिया इस तरह से ही चलते थे उसमें। अब उन्होंने डिजिटल कैम की तरफ जो मूव नहीं किया, जिन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए, तो एब्सोल्यूट हो गए, उन्हें अपने सारे का सारा स्टाफ टर्मिनेट करना पड़ा।
ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और इसी तरह अभी अगर हम उससे बात करें, नोकिया, नोकिया एक सबसे ब्रांड लीडर था मोबाइल्स में, अब क्या हुआ, फ्लॉप हुआ। क्यों फ्लॉप हुआ, कि उसने वो साथ में एंड्रॉयड को जो है ना, वो साथ में उसने वो नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, वो किसकी तरफ चला गया, ऑफिस की तरफ चला गया, साथ में विंडोज की तरफ, विंडोज फोन की तरफ चला गया। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी, बाकी टेक्नोलॉजी सैमसंग ने, हुआवे ने, बाकी जितने भी मोबाइल से कंपनीज थी, उन्होंने एंड्रॉयड की तरफ मूव किया, तो नोकिया कहाँ गया, लीडर तो था ही था, उसके बाद अभी कंपटीशन में भी नहीं रहा, बिल्कुल इतना ऑब्सोलीट हो गया। तो यही चीज़ें हैं जो हम, अगर हम वक्त के साथ साथ चीज़ों को नहीं लेकर चलेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे और डायनामिकली चीज़ें नहीं अपनी बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, और इसी तरह जैसे मैंने वो कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को होना है, साथ साथ इंडिविजुअल्स को भी होना है। मैं अगर प्रॉपर नई चीज़ आएगी उसी टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करूंगा तो मैं ऑब्सोलीट हो जाऊंगा। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आप नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे, आप नई, आपके फील्ड में कौन सी आ रही है नई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग जिसे आती है तो वही आगे जाएगा, ठीक है। अब ओरेकल, ठीक है, जावा, C++, इन चीज़ों के साथ साथ आपको बाकी जो है ना अपडेटेड नॉलेज लेना है। अपडेटेड नॉलेज लेंगे तो आपको जो है ना अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस जो है ना वो आपको पिक करेगा, खुद से पिक करेगा। मशीन लर्निंग सबसे ज़्यादा हॉट केक है, ठीक है, उसमें आपके लिए जॉब्स ओपन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब आपके लिए अब जो है ना वो फ्री लांसिंग आप कर सकते हैं, आपको चीज़ें आती होंगी तो आप फ्री लांसिंग में अपना अकाउंट बनाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ना वो अप टू डेट होना पड़ेगा सबको, ठीक है। अब हम मेनली देखते हैं कि HR के जो है टोटल 4 फंक्शंस हैं, हम इंडिविजुअल इनसे एक एक को हम डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन स्टाफिंग, इसमें बाय नेम स्टाफिंग से क्या, चलिए हम अभी इसको आगे ये सारे डिस्कस करेंगे। 4 फंक्शंस हैं मेन की HRM की, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, ठीक है। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग में 3 मेन चीज़ें आती हैं। बाय नेम ये जाहिर करता है कि भाई ये स्टाफ से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी स्टाफिंग जो है ना, ठीक है, यही अंडरस्टैंडिंग होती है सबको नेम से। स्टाफिंग में 3 मेन चीज़ें आती हैं, स्ट्रेटजिक HRP, इसे SHRP कहते हैं अगर एब्रीवेशन में हम बात करें, ठीक है। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को मोस्टली इनका जो है ना वो आप सुनने में आएगा आपको लोगों को, लेकिन इन दोनों के जो रोल्स है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, उसको हम अभी देखते हैं। स्टाफिंग द एक्टिविटीज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद सीकिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉइज आर कॉल्ड स्टाफिंग। ये भी हम सीख मतलब हमें तलाश होती है और हम हायर करते हैं किन को, क्वालिफाइड एम्प्लॉइज को, सबको नहीं कि जिसने भी अप्लाई कर लिया सबको रख लो, नहीं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, ठीक है, उनको अपॉइंट करना, उसको हम मेनली स्टाफिंग कहते हैं। कि भी आप जो है वो क्वालिफाइड एम्प्लॉई को जो है ना वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि HRM के 4 फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस कौन कौन से हैं, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस, ये मेन 4 फंक्शंस हैं पूरे HR के, ठीक है। इसको आगे बाकी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सब में जो है ना डिफरेंट फंक्शंस सेपरेट हैं। स्टाफिंग में 3 मेन चीज़ें आती हैं, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। स्टाफिंग बाय इट्स नेम शो करता है कि ये स्टाफ से रिलेटेड कोई चीज होगी। डेफिनेशन स्टाफिंग क्या होगी, द एक्टिविटीज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद सीकिंग एंड हायरिंग। मैं ये अपना पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, ये मूवमेंट नजर आती है आपको, किन चीजों को सीख और हायर करना है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को, वो कराते हैं हमारी स्टाफिंग। स्टाफिंग की जो 3 चीजें हमने जो डिस्कस की थी, कौन सी, स्ट्रेटजी की, HR प्लानिंग जो इसकी जो है। सबसे पहले हम कोई भी चीज डिस्कस करेंगे ना उसका साथ में ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि ये होती क्यों है, क्यों हमें इसकी जरूरत है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज टू लोकेट एंड सिक्योर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, कि भी इनको हमने लोकेट भी करना है और उन्हें सिक्योर भी करना है, अपने पास अपॉइंट भी करना है, ये हमारा मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके कॉम्पोनेंट्स 3 कौन से हैं जो हमने डिस्कस किए, स्ट्रेटजिक HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बाय इट्स नेम ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि क्या होता है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट, किस चीज को इंश्योर करती है, सबसे पहले
इट हैज राइट नंबर एंड, सबसे पहले कि राइट नंबर है इनके पास, नंबर मीन्स कितने लोग चाहिए थे, ठीक है, एंड काइंड ऑफ इम्प्लाइज, और किस किस्म के लोग चाहिए, जो लोग होंगे वो किस चीज के केपेबल होंगे, केपेबल ऑफ एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोज टास्क, वो काम भी पूरे कर सकते हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कौन से टास्क, दैट आर डायरेक्ट सपोर्ट टू कंपनीज मिशन एंड स्ट्रेटजिक गोल्स। अल्टीमेटली किसी भी काम का, हमारी चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका जो एंड रिजल्ट जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सपोर्ट करना होता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ठीक है, सप्लाई चेन, ठीक है, और उसके बाद बाकी जो है स्टोर, कोई भी जितने भी डिपार्टमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबका जो मेन जो कलेक्टिव गोल होगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टाफिंग को अगर हम समराइज करें, ठीक है, स्टाफिंग क्या है कि भी हमने सबसे पहले ये देखना कि हमें टोटल कितने लोग चाहिए, किस कैपेसिटी के चाहिए, ठीक है, और उनमें मतलब क्या स्किल्स लेवल उनका क्या होना चाहिए, और उनसे हमने क्या क्या काम लेने हैं, वो इफेक्टिवली या एफिशिएंटली जो है वो काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से काम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब जब बनानी होती है ना, सबसे पहले हम उसकी एचआर प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास, हमें टोटल या कोई एक डिपार्टमेंट भी शुरू करने लगे हैं तो उसकी एक हायरार्की बनाते हैं, हायरार्की हम डिस्कस करेंगे कि हायरार्की क्या होती है और वो किस तरह फंक्शन करती है, वो एचआर प्लानिंग का पार्ट होती है, ठीक है, उसमें कि भी कितने लोग चाहिए और उसे किस किस कैलिबर के चाहिए और उनसे हमने क्या क्या टास्क परफॉर्म कराने हैं, कि टास्क परफॉर्म है इसे जेडी कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका जो है ना फिर नेक्स्ट आ गया रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट जो है स्टाफिंग हमने पढ़ लिया, स्टाफिंग के बाद स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव था रिक्रूटमेंट, प्रोसेस बाय विच ए जॉब वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड, हमें स्टाफिंग में तो पहले पॉइंट करने कितने लोग चाहिए, इसमें जॉब वैकेंसी को आइडेंटिफाई करना है कि हमें एचआर मैनेजर चाहिए, हमें एचआर ऑफिसर चाहिए, या हमें मार्केटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, आप आईटी फील्ड से जो है ना रिलेटेड है, आईटी में तीन तरह की कैटेगरीज हो जाती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो बैकएंड पे काम करने वाले हैं, नेटवर्किंग पे काम करने वाले हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, मतलब डिफरेंट जो है, ठीक है, हमने सबसे पहले देखना हमारे पास जॉब वैकेंसीज कौन सी हैं, उसके मुताबिक हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, पर उसके लिए पोटेंशियल एम्प्लॉई कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये नोट करना। इसमें रिक्रूटमेंट में सिर्फ जो है वो हम एक पूल जनरेट करते हैं हमारे कैंडिडेट्स का, पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं, टू ऑब्टेन एन एडिक्यूएट पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, जितने लोग भी हैं हमने एक ऐड दे देना है, ऐड में मैक्सिमम जो हमें पूल जनरेट करना है कि जो रेलिवेंट लोग हैं वो अप्लाई करें, ठीक है, इसमें उस ऐड में हम इतनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे, ठीक है, कि भी हमें ये रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक ही अप्लाई करना चाहिए। मुझे अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, मैं बार बार आपकी एग्जांपल इसे देता हूँ कि आप लोगों को इस चीज में अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा, क्योंकि मैं अगर ह्यूमन रिसोर्स की या किसी और डिपार्टमेंट की एग्जांपल दूंगा तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल रहेगा, ठीक है। अब मुझे अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए तो मैं उसके लिए स्पेसिफिकली जो है ना मेंशन करूंगा, मैं जो ऐड दूंगा उसे अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ में उसमें मेंशन करूंगा कि मुझे जो है वो बीएस कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, ये स्पेसिफिक हो गया। अगर मैं इसमें सिंपली लिख दूं कि जी मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो, अगर मैं ये ग्रेजुएशन लिख दूंगा तो ग्रेजुएशन के लिए तो कोई भी बीकॉमर भी अप्लाई करेगा, ठीक है, बीएस जो है जूलॉजी वाला भी अप्लाई करेगा, बीएस इंग्लिश वाला भी अप्लाई करेगा, बीएस मैथ वाला भी अप्लाई करेगा, क्योंकि सारे के सारे ग्रेजुएट हैं। लेकिन अगर उसमें स्पेसिफिक कर दूंगा डिग्री को भी कि मुझे जो है वो चाहिए बंदा जो बीएससीएस हो, कंप्यूटर साइंस में जिसकी एक्सपर्टीज हो, फिर अगर हाँ मुझे अगर कोई स्पेसिफिक उसमें चाहिए फिर मैं आगे वो भी मेंशन कर दूंगा, रिक्वायरमेंट में लिख दूंगा साथ में कि मुझे जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, तो वो भी एक और उसमें फिल्टर हो गया, एक फिल्टर और लग गया कि जनाब उसमें उसी बंदे ने अप्लाई करना है जिसका फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस है। फिर मैं साथ में एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि मुझे एक साल के एक्सपीरियंस वाला चाहिए, तो इसमें कोई फ्रेश अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो आपकी एड इतनी इफेक्टिवली बनी होनी चाहिए कि उसमें इररेलीवेंट लोग जो है वो अप्लाई ही ना करें, और इतनी अट्रैक्टिव भी हो कि मैक्सिमम ऑडियंस उसकी अट्रैक्शन गेन करें, ठीक है, और वो उसकी ज्यादा ही ज्यादा से ज्यादा जो रेलिवेंट लोग हैं वो अप्लाई भी करें, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट हुआ जस्ट टू जनरेट ए पूल ऑफ रेलिवेंट कैंडिडेट्स। सिलेक्शन, सिलेक्शन बाय इट्स नेम जो है ना वो ये शो करता है
कि चीज में से किस चीज में सिलेक्ट करना द बेस्ट वन जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिलेक्ट किस में से करना है जो हमने पूल जनरेट किया है, उसमें से सिलेक्ट किन को करना है जो हमारी गिवन रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे थे, ठीक है। उनको अब सिलेक्शन के भी प्रोसेसेस है, हम वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब ये पूरा फंक्शन पढ़ेंगे। ये अभी आप जो चार फंक्शंस पढ़ रहे हैं इनके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम उसी को सारी चीजों को डिटेल से देखेंगे। सिलेक्शन में भी चीज आती है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूजेस फ्रॉम लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स द पर्संस आर द पर्संस हु मीट द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोजीशन अवेलेबल कंसीडरिंग करंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो स्टाफिंग में हमने सबसे पहले देखा कि हमें कौन कौन से चाहिए थे, हम एक ये फंक्शन हमारा यहाँ पे स्टाफिंग वाला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमारा हमने स्टाफिंग में देखा कि हमें कौन कौन से लोग चाहिए, ठीक है, किस किस कैलिबर के होने चाहिए, कितने चाहिए होंगे, क्या क्या चीजें करी होंगी। फिर उसमें हमने तीन इसके कॉम्पोनेंट्स देखे, स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने इसमें आइडेंटिफाई किया कि हमें किस कैलिबर के कितने लोग चाहिए और क्या क्या टास्क हमें उनसे परफॉर्म करवाने हैं। फिर हमने उसका प्रॉपरली एड बनाकर पब्लिश कर दिया, उसमें हमें हमारे पास पूल जनरेट हुआ जिसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, लोगों ने डिफरेंट लोगों ने अप्लाई किया, उस पूल में से जो हमारे रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे थे हमने उन्हें पिक कर लिया, ठीक है। तो वो हो गया सिलेक्शन। तो हमारा पहला स्टाफिंग का फंक्शन जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सिलेक्शन, ये भी उसी में है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन एक्टिविटी इज टू प्रिडिक्ट विच जॉब एप्लीकेंट विल बी सूटेबल इफ हायर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट्स आर आल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन प्रोसेस में आप सिर्फ ये ना समझे कि आप और उसे स्टाफ को जो है ना वो सिलेक्ट कर रहे हैं, ये टू वे प्रोसेस होता है। जो आपको इंटरव्यू देने वाला आया है वो भी आपको सिलेक्ट करता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरह चेक कर रहा होता है। अगर वो इतना केपेबल है कि आप उसे जॉब ऑफर कर रहे हैं लेकिन उसको वो सूट नहीं करती, उसकी टर्म्स के मुताबिक नहीं है, तो वो भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ देखनी, सिलेक्शन होगा उसमें जो कि बेस्ट आपने जो भी मीट कर रहा है वो चीज़ें वो सिलेक्ट करनी है। प्रॉपर सिलेक्शन कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग रिजल्टिंग इन मोर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। अगर आप एक अच्छा बंदा अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी किन चीजों को आप में हेल्प आउट करता है, वो आपकी कॉस्ट कम कर देता है रिप्लेसमेंट की और आपकी ट्रेनिंग की, ठीक है। रिप्लेसमेंट आपकी क्या है, अगर आपने कोई जो है ना वो रेलिवेंट बंदा अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, तो वो आपको एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वो काम नहीं पूरा करेगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा, निकालेंगे तो उसकी जगह पे नया बंदा अपॉइंट करना होगा। तो ये आपकी जो है टाइम कॉस्ट भी लगी, आपने उसको टास्क भी दिया था वो भी पूरा नहीं हुआ, उसको एक महीना डेढ़ महीना रखा है, उसकी सैलरी भी दी, ये सारा आपका वेस्टेज हो गया, ठीक है। और आपको रीहायरिंग भी करनी पड़ी, उसकी कॉस्ट रहता से आपको आई, तो ये वो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी आपकी कम करता है। या आपने कोई ऐसा बंदा अपॉइंट कर लिया जिसे चीज़ें आती नहीं है, या आप उसको रिप्लेस करेंगे या आप उसको ट्रेन करेंगे। ट्रेन करेंगे तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए डेज देंगे, उसे प्रॉपर ट्रेनर अपॉइंट करेंगे, सारी चीज़ें उसके लिए टाइम देंगे, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट भी है, तो इन दोनों चीज़ों को रिड्यूस करती है अगर आप सिलेक्शन ही अच्छी करें तो आपकी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी होती है। फंक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पांच कंपोनेंट्स हैं, ओरिएंटेशन, एम्प्लॉई ट्रेनिंग, एम्प्लॉई डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ट्रेनिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग बिहेवियर्स ऑफ एम्प्लॉयज इन ए डायरेक्शन दैट विल अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। इजी वर्ड्स में हम बात करें कि ये ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज के बिहेवियर को हम जो हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं, उसे ट्रेनिंग कहते हैं। मैं नया अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं मालूम, मुझे उसके बारे में गाइडेंस दी जाना, ठीक है, मेरे वर्क प्लेस के बारे में बताना, चीजें ये ट्रेनिंग के उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सारी चीज़ें उसमें आती हैं। डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट होती है कि आप मल्टीपल टास्क या अपग्रेडेड टास्क जो है ना उसमें जो आपको गाइडलाइंस मिले वो डेवलपमेंट साइड में। ट्रेनिंग फॉर द करंट जॉब, ठीक है, डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर जॉब। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन इज टू, पॉइंटर देखिएगा, इज टू टेक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को आपने अपॉइंट किया, अडेप्ट देम टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उन्हें अडेप्ट करवाया किस चीज के लिए, एंड हेल्प देम टू ऑब्टेन अप टू डेट, ये इसमें ट्रेनिंग के लिए नहीं है, ये जो अडेप्ट करवाया उसके बाद में हेल्प देम टू ऑब्टेन अप टू डेट स्किल्स, जो अप टू डेट स्किल्स हमें रिक्वायर्ड थी
वो उन्होंने ऑब्टेन की कि नहीं की अपडेट स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, ये जो मैंने आपको बोला था ना स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज जिसे KSA कहते हैं, उसे आप स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज में बात कर लें या पहले के नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज, इस तरह से ये दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन KSA का वर्ड आपने यूज याद रखना है। फॉर देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ये ऑब्जेक्टिव इसका मेन होगा। फिर जैसे कॉम्पोनेंट्स 5 ओरिएंटेशन, ये इसी तरह से ये जो है ना एंटी क्लॉक, ये क्लॉक वाइज मूव करते हैं, जैसे हमारा क्लॉक मूव करता है ना उसी तरह से ये सारे इंटरलिंक्ड है। ओरिएंटेशन सबसे पहले होती है, फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, देन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, देन करियर डेवलपमेंट, ये सर्कल इस तरह से मूव करता है, होती है। ओरिएंटेशन जैसे आपको, आपने जब ज्वाइन किया था तो आपको उसमें, हाँ जी, ओरिएंटेशन इट कवर्स द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू हिज और हर वर्क यूनिट। ओरिएंटेशन बाय इट्स नेम ये बताता है कि भी आप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन इसके जो ऑनर्स हैं और इसके टोटल स्टाफ क्या है और क्या क्या रोल्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, उसकी वर्किंग के बारे में, उसके जिन जिन से वो डील करते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक विजिट करवाया जाता है, आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, आपको आपके वर्क यूनिट पे आपको लेकर जाते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारे आपसे जो है ना वो शेयर होते हैं, ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन होती है किसी भी इसकी। उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आप उसमें जो है वो आप उसमें किसी भी एग्जिस्टिंग जॉब पे जो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको जो है ना वो गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आप उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, किस तरह से उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, उसको एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग जॉब के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज डिजाइन टू असिस्ट एम्प्लॉय अक्वायर बेटर स्किल्स फॉर द करंट जॉब, जो करंट जॉब है उसको अच्छे से करने के लिए, जो उसे हम कहते हैं ना कि वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, जी ट्रेनर आए हुए हैं हमें बताने के लिए, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती हैं, मतलब आपको आपके वर्क स्टेशन पे भी आपको ट्रेनिंग मिल सकती है तो किस किस तरह से आपने परफॉर्म करने, या आपको कहीं पे बाहर जाकर भिजवाकर वो किया जा सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक पूरा चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो होती है, पहले हमने डिस्कस किया एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय आया उसको फिर करंट जॉब के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई, एम्प्लॉय ट्रेनिंग की गई, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है उसको जो ट्रेनिंग या जो चीजें जो सिखाई जाए फॉर द नेक्स्ट जॉब, जब हमें किसी को प्रमोट करना होता है ना तो हम उसको पहले कुछ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उसको हम एम्प्लॉय डेवलपमेंट कहते हैं, उसको इस तरह से ट्रेनिंग्स दी जाए चीजें कि वो एक्वायर करे बाकी डिफरेंट टास्क को भी, ठीक है, फिर उसको हम प्रमोट करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये इस काबिल हो गया है कि हम इसे नेक्स्ट असाइनमेंट दे सकते हैं। डेफिनेशन में हम देखते हैं द फोकस ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज ऑन ए फ्यूचर पोजिशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी फ्यूचर पोजिशन पे ले जाने के लिए, फॉर विच एम्प्लॉय एक्वायर एडिशनल कॉम्पिटेंसीज। एक तो थी ट्रेनिंग, उसको सेम लेवल की जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसकी ट्रेनिंग देना, वो ट्रेनिंग है। मैं अगर एक रोल परफॉर्म कर रहा हूँ मुझे इससे एडिशनल रोल भी दे दिया जाए तो उसकी ट्रेनिंग मुझे दी जा रही है, तो दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट, उसे हम डेवलपमेंट फेज में कहेंगे, उसे ट्रेनिंग नहीं होगी वो। अच्छा, करियर डेवलपमेंट क्या है? द फोकस ऑफ करियर डेवलपमेंट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड असाइनमेंट्स इन हेल्पिंग एम्प्लॉयज रियलाइज देयर करियर गोल। आपको एक करियर कैडर मिल जाता है, ठीक है, स्टार्ट से आपने ज्वाइन किया, आपने जूनियर लेवल पर ज्वाइन किया, आप चले ट्रेनिंग से शुरू करते हैं जी, जिसे हम इंटर्न भी कहते हैं, जिसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। आप अगर फ्रेश थे तो आपने ज्वाइन कर लिया MTO के तौर पर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑपरेटर, उसमें आपको ज्वाइन कराने के बाद आपको बताया गया कि 6 माह की आपकी जो है ना इसकी ट्रेनिंग होगी और आप ये चीजें करेंगे, आपकी डेवलपमेंट साथ में करते हुए आपका जो है आप फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा ऑफिसर लेवल पे। ऑफिसर लेवल पे आपने 1 साल काम करना है, ठीक है, आपको ये रोल्स परफॉर्म करने हैं, ये आपको परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा AM लेवल पे, ठीक है। जब AM लेवल पे आप प्रमोट हो जाएंगे, AM लेवल से फिर आपको मतलब ये इसे करियर कैडर कहते हैं, फ्रॉम ट्रेनी टू सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, उसको करियर डेवलपमेंट टर्म में डिजाइन, आपको करियर गोल्स बता दिए जाए और सबके आपको इन्फॉर्मेशन हो कि क्या करने के बाद आपका जैसे होता है। आपने गवर्नमेंट लेवल पे देखा होगा कि कहते हैं ना कि टेस्ट होने के बाद ये जो है ना वो 7वें स्केल से 8वें स्केल में मूव हो गया, ठीक है, उन्हें बताया जाता है। और दूसरा ये भी टेस्ट के बिना भी इतनी देर जॉब के बाद ये स्कीम की प्रमोशन हो गई, ऐसा होता है, तो इन चीजों की ये करियर डेवलपमेंट होती है।
ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होता है जी, उसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ एचआरएम दैट डील्स विद फैसिलिटेटिंग सिस्टम वाइड चेंज, कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ही अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है। नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसको अडॉप्ट कर लिया गया। आप यहीं पे देख लें, आपकी क्लासेस डायरेक्टली फिजिकली होती थी, नई टेक्नोलॉजी आई, हमें ये लॉकडाउन की सूरत हाल में देखना पड़ा, तो हम जूम पे क्लासेस ले रहे हैं। इसी तरह कोई भी मोबाइल ऑपरेटर्स जो थे उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपना 3G 4G 5G ये नई से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर लिया, ठीक है। कोई प्रोडक्शन लोकल लेवल पे कर रहा था, उसने अपग्रेड करके अपने सिस्टम अपने रिड्यूस करवाए, अपनी जो जनरल सिस्टम वाइड चेंजेस लेकर आए, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल लेवल पे ले गए, लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो ये कंपोनेंट्स इसके जो हुए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, ओरिएंटेशन, इसमें आपको आपके टास्क के बारे में, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लोगों के बारे में बताया जाता है, मिलवाया जाता है, ठीक है, आप ये चीजें बताई जाती है। ओरिएंटेशन होती है आपको एग्जिस्टिंग जॉब के लिए, जो आपको ब्रीफिंग दी जाती है, आपको बताया जाता है सारा किस तरह से परफॉर्म करना है, वो ट्रेनिंग है फॉर द करंट जॉब। आपको नेक्स्ट फ्यूचर जॉब के लिए, आपको प्रमोशन के लिए आपकी जो असाइनमेंट्स इंक्रीज कर दी जाती हैं, दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में आपको करियर लेटर दे दी जाते हैं कि भी किस किस लेवल पे आपने क्या क्या करते हुए आपने मूव करना है। दैट इज करियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को आप अपग्रेड करते हैं, ठीक है, उसको उसमें चेंज लेकर आते हैं सिस्टम वाइज पूरी, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये दो कॉम्पोनेंट्स मुकम्मल हुए। मोटिवेशन बाय इट्स नेम जो शो करता है कि मोटिवेट किस चीज के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है, इसके चार कंपोनेंट्स हैं, मोटिवेशन एंड जॉब डिजाइन, ठीक है। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवार्ड एंड कंपनसेशन, देन एम्प्लॉई बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये चार कंपोनेंट्स इसके हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन बाय इट्स नेम क्या शो करता है, मोटिवेशन क्या होती है बताएंगे जरा प्लीज। मोटिवेशन क्या होती है? एन इनर फोर्स दैट इंपेल्स ह्यूमन बीइंग टू बिहेव इन अ वैरायटी ऑफ वे। इस तरह से मेरी अंदर से कोई चीज ऐसी जो मुझे मोटिवेट करे कोई काम करने के लिए, वो मोटिवेशन है, ठीक है। जो मुझे, जैसे आपको कहा जाता है, आप अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें आपकी क्या मोटिवेशन है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जॉब करते हैं तो उसमें कोई मोटिवेशन होगी आपको कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, उसकी मोटिवेशन है आपको, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, आपको अपग्रेड किया जाएगा, प्रमोशंस मिलेंगी आपको, ये सारे रिवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। घर में कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, एक इनर फोर्स है ना आपकी। और आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी जो अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या मोटिवेशन है कि आपको इसके लिए जन्नत मिलेगी, रिवार्ड आपके जहन में है, ठीक है। ये मोटिवेशन के लिए था, इनर फोर्स, एनी इनर फोर्स दैट इंपेल्स ह्यूमन बीइंग्स टू बिहेव इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है जी। इसमें नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअल में क्यों मोटिवेशन होनी चाहिए। द बेसिक फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इज, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन फंक्शन इज टू रिटेन गुड स्टाफ एंड इनकरेज देम टू गिव देयर बेस्ट। क्यों जी, इसमें क्या मोटिवेशन है? हम किसी को मोटिवेट करते हैं स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए बाद या बाकी चीजों के बाद मोटिवेट करते हैं रिवार्ड के लिए, किस चीज के लिए? सबसे पहले इसलिए कि हम अपने स्टाफ को रिटेन करना चाहते हैं कि हमारा जो अच्छा स्टाफ है हमें छोड़कर ना जाए, ठीक है। क्यों ना जाए? क्योंकि हमें उससे बेस्ट आउटपुट लेना है, चीजें सारी करवानी है हमसे, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी करनी है, ठीक है। तो मेन पर्पज तो इसका यही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब इसके जो तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, चार, जॉब डिजाइन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सबसे पहले जॉब डिजाइन, कोई भी जॉब है जो डिजाइन करनी है, हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि वो डिजाइन इस उस चीज में हो कि वो आपकी जो जितने भी है ना फैसिलिटेट करे किस चीज को, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को करे, किस तरह करे स्टिमुलेट परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को जो है ना स्टिमुलेट करे और आपकी कैपेसिटीज को जो है ना रिकॉग्नाइज करते हुए, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और ये उसी सूरत में इसमें आपने कोई भी मतलब जॉब, मैं आपको अपॉइंट करने के बाद कोई ऐसा टास्क तो नहीं दे रहा, ऐसी जॉब तो नहीं दे रहा जो आप पूरी ही नहीं कर सकते, जो अचीवेबल ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले जो है ना, अगर टास्क उसके मुताबिक होंगे जो आपके लिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हो चीजों में, आपके स्किल लेवल के मुताबिक होंगे,
ठीक है, तभी आप मोटिवेट होंगे। तो जॉब डिजाइन जो है ना इस तरह से की जाती है कि वो एम्प्लॉइज को जो है ना वो मोटिवेट कर रही हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हो, ठीक है, उनको परफॉर्मेंस के लिए स्टिमुलेट कर रही हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने जॉब डिजाइन करनी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना की तरफ से होती है कि वो उस तरह से जॉब डिजाइन करें, ठीक है। सेकंड फंक्शन जी क्या है उसके, जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैं अगर आपको कोई टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये है ना कि मैं उसकी जो है ना परफॉर्मेंस को एवेल्युएट भी तो करूंगा ना। मैं इसी तरह से कैसे कर लूँ कि भाई आपको मैंने टास्क दे दिया और उसको मैं चेक भी ना करूँ? आपके पेपर में भी इवन आप पेपर देते हैं तो चेक होते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि उस चीज़ को प्रॉपरली किस तरह से आइडेंटिफाई करना है जो टास्क आपको दिए, ठीक है, उसको इनकर्ज करना है, उसको मैयर करना है, एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो उसकी उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को जो है ना वो हमने एवेल्युएट करना है, इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इस बार परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहे हैं, आपने सुना होगा आपके जो है ना कोई भी फैमिली में से कोई भी कहीं पर जॉब कर रहा होगा वो बता रहा होता है जी हमारे अप्रेजल चल रहे हैं, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेशन को हम देखते हैं, प्रोसेस which is used to identify, encourage, measure, evaluate and improve employee through performance appraisals. और जब तक किसी भी चीज की जो है ना आपकी accountability ना हो तब तक आप उसको properly reward भी नहीं कर सकते। मैंने आपको टास्क दिया एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, मैं जब तक चेक ही नहीं करूंगा कि भी आपने टास्क पूरा कर लिया या नहीं किया तो मैं आपको उसका रिवार्ड या पनिश कैसे कर सकता हूँ? तो इसलिए उसकी जो है ना appraisals उसके जरूरी होते हैं, appraisals परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। थर्ड, कंपनसेशन मैनेजमेंट। जो मैंने आपको टास्क दिए थे आपने पूरे कर लिए, ठीक है, उसकी हमने देख लिया कि वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो उसके मुताबिक मैं आपको कंपनसेट भी तो करूँ, मैं आपको उसके रिवार्ड्स भी तो दूँ, ठीक है। मैं अगर आपको उस तरह से रिवार्ड्स नहीं दूंगा, ठीक है, तो कैसे मोटिवेशन आएगी, ठीक है। मोटिवेशन तभी आएगी ना जब अब सब मेहनत करते हैं, सभी एक ही क्लास में बैठते हैं, ठीक है, मैंने ही आपके पेपर चेक करने हैं, आपने सबने पेपर दिए, मेहनत करके दिए, ठीक है, मैंने सबको एक ही तरह के नंबर दे दिए, क्या कोई मोटिवेट होगा इससे? नहीं होगा। बल्कि जो काम करने वाले थे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, वो इससे डीमोटिवेट हो जाएंगे कि जनाब अब मुझ में और उसमें क्या फर्क है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं दो दो रात से पढ़ता रहा हूं। इसी तरह एम्प्लॉइज में होता है, एम्प्लॉइज में भी ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो ऊपर की है वो प्रेजेंस इसीलिए किए जाते हैं। और सबसे पहले अगर किसी को डर ही ना हो कि भी हमारे एवेल्युएट किया जाएगा तो वो ना तो मोटिवेट होगा ना वो काम करेगा। अप्रेजल्स के बाद उन्हें उसके मुताबिक कंपनसेशन की जाती है। इंक्रीमेंट्स जब भी लगते हैं दो चीज़ों पे इंक्रीमेंट्स होते हैं, एक होता है जो आपका सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट पे, जैसे महंगाई बढ़ती है उसके मुताबिक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, फिर दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स। तो ये दोनों इंक्रीमेंट्स जो है ना वो साथ में लेके चलने होते हैं। अगर मैं सब एम्प्लॉइज को जो सारे काम कर रहे हैं सबको 10% इंक्रीमेंट दे दूं, 15% इंक्रीमेंट दे दूं, तो उसमें वो लोग तो खुश हो जाएंगे जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन वो लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे जिन्होंने काम अच्छा किया, जो जिन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स दिए हैं, जिन्होंने जो है ना अपनी अपनी सलाहियतों से बढ़कर काम करने की कोशिश की है, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम वो भी काम नहीं करेंगे कि जनाब जब मिलना ही सबको बराबर है तो फिर मैं काम क्यों करूँ, ठीक है। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट में ये आता है। और एम्प्लॉई बेनिफिट्स में ये आता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को जो है ना वो अदर देन जो है ना फाइनेंशियल टर्म्स जो उन्हें वो रिवार्ड देते हैं, उनको किसी टूर्स पे ले गए आप, ठीक है, आपने किसी उसमें क्लब्स में उनकी मेंबरशिप करवा दी, ठीक है, आप उनको जो है ना इंश्योरेंसेस दे दी, आपने उनको कोई टूर करवा दिया, आपने कोई फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स दे दिए, तो वो एम्प्लॉई बेनिफिट्स में आते हैं। ये भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिनमें आप काम कर रहे हैं, एक में आप काम कर रहे हैं और एक में आपका दोस्त काम कर रहे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ठीक है। आपकी जॉब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी करती है, ठीक है, आपकी जॉब डिज़ाइन भी आपके मुताबिक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट भी आपको करती है, आपको सैलरीज भी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन सेम पैरेलल में आपके दोस्त की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये तीन चीज़ें तो करती करती हैं, साथ में उसने बेनिफिट ये भी दिए हुए हैं कि आप लोगों की ग्रुप इंश्योरेंस करवा दी हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पेरेंट्स की, आपकी भी है, ठीक है, आपको जो है ना वो साल में दो टूर्स भी ले जाते हैं और उसके बाद बाकी जो है ना वो आपके बच्चों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें देते हैं। तो फिर आप किस ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करेंगे, ये किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होंगे? तीन चीज़ें तो आपके पास हैं, ठीक है, तो आप चौथी भी चीज़ जहाँ पर मिल रही होगी तो वो एम्प्लॉई ज़्यादा मोटिवेटेड होगा कंपेरेटिवली उनसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ें नहीं मिल रही। नेक्स्ट फिर हम अभी चलते हैं, तो हमारे अब ये तीन मेन फंक्शंस जो हैं वो एचआर की कंप्लीट हुए। फोर्थ फंक्शंस की तरफ जाते हैं, दैट इज मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस में बायर्स नेम जो जाहिर करता है उसके मुताबिक ही है चीज़ें, हेल्थ एंड सेफ्टी है, कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉय रिलेशंस है, ठीक है जी। इसमें अभी या तो हम उसकी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं ताकि रीडेबल नहीं पाते चीज़ें, ठीक है। मेंटेनेंस एक्टिविटीज कंसर्न विद मेंटेनिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट्स एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, उन चीज़ों को मेंटेन रखना एम्प्लॉय मेनली, इसमें जो चीज़ आती है वो एम्प्लॉयज की तो मेंटेनेंस नहीं होती ना एक्चुअल में, तो उनकी लॉयल्टी की होती है, उनकी कमिटमेंट्स की होती है कि भी वो कितने कमिटेड हैं आपके साथ, उनकी जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप किस तरह से लेकर चल रहे हैं। द लास्ट फेज ऑफ HRM प्रोसेस इज कॉल्ड मेंटेनेंस फंक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन इज टू डू सच HRM एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज हम HR की करेंगे कौन सी, दैट मेंटेन इम्प्लाय कमिटमेंट्स एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये HR का रोल है कि वो ऐसी एक्टिविटीज करे या उसके ऐसे फंक्शन उन्हें उसमें ये इन्वॉल्व करे स्टाफ को इस तरह से कि उनकी कमिटमेंट इंक्रीज हो, कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाए। कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उसके लॉयल और जो मोटिवेटेड कस्टमर्स हैं या एम्प्लाइज हैं वो छोड़कर जाए, क्योंकि एम्प्लाइज हमने पहले भी पढ़ा एम्प्लाइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है, असासा है। वो मोटिवेटेड होंगे तो आपकी प्रोडक्शन भी, आपकी सर्विसेज भी, आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी। वन बाई वन तीन चीज़ों को ये देखते हैं इसमें। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी में आपने कोई भी जॉब जो डिज़ाइन करनी है इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि जो आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। एम्प्लॉयज उस वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बीमार तो नहीं पड़ रहे, ठीक है, उनको सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो पूरे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की जॉब की बात करें ना, इंजीनियरिंग में सबसे पहले वो आपको जो है ना वो येलो कैप देते हैं। वो क्यों देते हैं येलो कैप, कि वो आपके जो है वो आपने साइट्स पे विजिट करना होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो है वो साइट से आपके सर पे ना लग जाए जो उससे डैमेज करे। आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको जो है ना वो आपके जो है ना हेडफोन इस तरह से देते हैं कि जो है ना आपकी जो चीज़ें वो जो है ना वो आपके एयर्स जो है ना वो मुतासर ना हो, ठीक है। आपको सेफ्टी ग्लव्स मिलते हैं, आपको कैप्स मिलती हैं। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना वो चीज़ों को सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना, ये इसकी एम्प्लाइज का राइट होता है और HR का ये फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसी का फंक्शन है जो कम्युनिकेशन जो कहते हैं ना इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है, टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन है, फ्रॉम बॉटम टू सीनियर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन है। तो इंटर कम्युनिकेशन जो है ना वो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इसमें कम्युनिकेशन गैप ना रहे। मैंने मुझे कोई चीज़ रिक्वायर्ड है और वो मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ कि स्टाफ को ये चीज़ें बता दें, और स्टाफ को चीज़ें पहुँचे ही ना। स्टाफ को चीज़ें मैंने अगर कोई बेनिफिट दिया है तो मैंने मैनेजर को बता दिया, मैनेजर ने आगे जो है ना वो वर्कर्स को कम्युनिकेट ही नहीं किया, ठीक है। तो वो भी चीज़ें जो है ना वो इसी के कॉम्पोनेंट में आती है, मेंटेनेंस में आती हैं चीज़ें। तो वो इस तरह से हमने डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करना है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग हो। देन फिर आती है जी एम्प्लॉय लेबर रिलेशंस। ये एम्प्लॉयज इसके लेबर रिलेशंस सर्विंग एन इंटरमीडियरी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूनियंस। आपने देखा होगा कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना मोस्टली जो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिनमें ज़्यादा सुनने बताते कि यार यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है। ये अक्सर फैक्ट्रीज में ज़्यादा यूनियंस बनती हैं, ठीक है, वो यूनियंस इसके लिए होती है, ये लेबर रिलेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये भी एक डिपार्टमेंट रिलेशन कहते हैं, जो उनकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को जो है ना वो पूरी करी होती है। एम्प्लॉयज ने यूनियन इसलिए बनती है कि उनके बेनिफिट्स के लिए बात करें, और वो एक इंटरमीडियरी रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉयज के दरमियान। अगर कोई स्ट्राइक करता है कहते हैं ना कि यूनियन के जो सदर हैं उनके साथ जो है ना वो टर्म्स डिसाइड हो गई और वो स्ट्राइक खत्म हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से कि भाई कुछ ऐसी हमने जो हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए काम करे, एम्प्लॉयज के साथ जो है ना लेजन के तौर पर। ये HR का फंक्शन है, HR एम्प्लॉयज और जो है ना जो ऑनर है उसके दरमियान एक लायसन एक ब्रिज के तौर पर भी काम करता है। इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे सर्विंग एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूनियंस और डिजाइनिंग डिसिप्लिन एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग जो आपस में भी एम्प्लॉयज की तो लड़ाई हो सकती है ना, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। अक्सर सुना होगा कि भाई स्टाफ की आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, या इंटर डिपार्टमेंट्स लड़ाई होगी, तो इन चीज़ों को भी रिजॉल्व करना जो है ना ये भी मेंटेनेंस फंक्शन में आता है, ये भी HR का एक रोल है, ठीक है। अब आ गए जी हमारे ये वो सारी HR के फंक्शंस हैं। अब HR मैनेजर के रोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या काम वो करता है,
ठीक है, सबसे पहले हम इधर से लेफ्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, क्लैरिकल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, क्लैरिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना, सबसे पहले एचआर का जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो स्टार्ट से, मतलब जो पहले होता था जिसमें हम बात करें, जिसमें सिर्फ उसने क्लैरिकल काम करने होते थे, अटेंडेंस लगा ली, उसमें अटेंडेंस के मुताबिक क्योंकि जो टाइमिंग उसमें जो सैलरी पैसे काट लिए, जो उसमें और ऐड कर ली, ये वो चीज़ें हो गई, देख लिया कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए, ठीक है, रजिस्टर पर जैसे काम होता है जो क्लैरिकल से टास्क करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से उसमें फिर जो एवोल्यूशन आई उसमें फिर इसका जो एचआर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई, जिसमें उसकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन थी, ट्रेनिंग एनवायरमेंट थी, ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ना वो ऐड हुई, ठीक है, जिसमें जिसे हम ऑपरेशनल रोल कहते थे कि वो जस्ट ऑपरेशनल रोल परफॉर्म करता था। ऑपरेशनल रोल के साथ साथ जब नेक्स्ट इंप्रूवमेंट सर्व एज मोरल ऑफिसर, जैसे एम्प्लॉय एडवोकेट भी कहते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय एडवोकेट रोल, इसमें ऑपरेशन रोल में सिर्फ वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता था, एम्प्लॉय एडवोकेट में एचआर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता था टास्क एम्प्लॉयज के एज ए एडवोकेट वकील के तौर पर, ठीक है, वो मोरल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है, वो बताता है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आगे परफॉर्म बताता है, और जो उनके डिसीजंस हैं वो डायरेक्टली स्टाफ को कम्युनिकेट करता है, वो एक एडवोकेट का रोल परफॉर्म कर रहा होता है। फिर जो इसके अपग्रेडेड फॉर्म जो है भाई, वो बिजनेस कंट्रीब्यूटर के तौर पर, जिसे बिजनेस पार्टनर भी कहते हैं, स्ट्रेटजिक रोल्स आ गए हैं इसके, जिसे हम सारे आगे डिस्कस करते हैं कि उसने स्ट्रेटजीज, अब नए जो स्ट्रेटजिक डिसीजंस होने हैं उसमें भी इसको जो है ना इन्वॉल्व किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में क्लैरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स ऑपरेशंस जिसमें पे रोल है या बेनिफिट्स हैं ये वो काम किए जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय एडवोकेट में जी फॉर एम्प्लॉयज कंसर्न के तौर पर चैंपियन के तौर पर परफॉर्म कर रहा होता है, एम्प्लॉयज क्राइसिस मैनेजमेंट डील कर रहा होता है एचआर मैनेजर, ठीक है, एम्प्लॉयज की कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है, यही रोल होते हैं ना उसके एडवोकेट के, तो ये एडवोकेट रोल्स में आते हैं। सॉरी, इसमें से पहले ऑपरेशनल रोल भी आना था, ऑपरेशनल रोल सेकंड पे आता है, रिप्लाई इसमें थर्ड में आ रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर प्रोग्राम्स, नए से नए जो इसके ना पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, जो हमने पॉलिसीज डिजाइन की है कौन कौन सी पॉलिसीज में जिसके प्रोग्राम्स एचआर के, उसके पॉलिसीज कौन सी, हायरिंग कैसे कैसे हायर करना है, उसकी क्या पॉलिसी होगी प्रॉपर, ठीक है, ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, किन किन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, सबको तो ट्रेनिंग में नहीं भेज देना, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि किन लोगों को जरूरत है, वो हम ट्रेनिंग का चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, जो प्रॉपर टीएनए होता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, उससे पता चलता है कि भी किन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर उसके बाद उनको प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेट करना और उसके बाकी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टिव रोल्स परफॉर्म करना। फोर्थ जो स्ट्रेटेजिक रोल है, फोकसिंग ऑन डेवलपिंग एचआर एक्टिविटीज दैट एनहांस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नए रोल्स हैं, जो नई परफॉर्मेंस इसमें एचआर में, अब एचआर को जो है ना, पहले एक सीट सिस्टम होता था हर जगह पे, ठीक है, सीट नहीं, जो डिसीजन दे दिया एचआर ने वही फॉलो करनी, जैसे मतलब बंदा खुद ही अपॉइंट करके एचआर को फाइल भिजवा दी कि ये जी बंदा मैंने अपॉइंट कर लिया है इसकी एंट्री कर, ऐसे ही होता था सीट कल्चर में, अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, लेकिन अब जहाँ पे जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन डिवेल्प हो चुकी हुई है वहाँ पे एचआर को जो है ना वो स्ट्रेटजिक रोल मिल चुका है, उसे एचआर बिजनेस पार्टनर भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है एचआर को स्ट्रेटजिक प्लानिंग में, उसको पार्टिसिपेट कराया जाता है डिसीजन मेकिंग में, अगर कोई किसी और कंपनी को साथ में मर्जर कर रहे हैं तो मर्जर में, एक्विजिशन में, या डाउनसाइजिंग भी, डाउनसाइजिंग भी एक एचआर का रोल है, जैसे अपॉइंटमेंट की जाती है इस तरह डाउनसाइज भी किया जाता है, जो एम्प्लॉयज एडिशनल हो, ठीक है, या जो परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर रहे हों। अभी इन दिनों में कोरोना की वजह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने डाउनसाइजिंग करनी है, अपने बहुत से एम्प्लॉयज जो है ना वो टर्मिनेट करने हैं, ठीक है, फिर उसको अकाउंटिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में एचआर को जो है ना इन्वॉल्व करने को, ये इसका एचआर का जो है ना वो स्ट्रेटजिक रोल है। तो एचआर मैनेजर के अब चार रोल्स हमने डिस्कस किए, कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें वो क्लैरिकल टास्क करता था, जस्ट पेरोल बना ली, अटेंडेंसेस ले ली, ठीक है, एडवोकेट के तौर पर उसमें एम्प्लॉय एडवोकेट रोल है जिसमें वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट की बात करता है, एम्प्लॉय क्राइसिस मैनेजमेंट को डील करता है, ठीक है, उनकी कंप्लेंट्स को जो है ना जो भी है उनको सॉल्व कर रहा होता है, उनको एड्रेस कर रहा होता है। ऑपरेशन रोल में जो एचआर के जो फंक्शंस हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको देख रहा होता है सारी को। और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, उसमें स्ट्रेटजिक रोल में वो जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना जितनी भी स्ट्रेटजिक मीटिंग्स हैं उनको हेड कर रहा होता है या साथ में इन्वॉल्व हो रहा होता है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग में शामिल हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग है सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की नहीं, उनमें जो है ना वो एक्टिवली रोल परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये एचआर के रोल्स थे।
अब एचआर के रोल भी हमने डिस्कस कर लिए, फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए, एचआर मैनेजर को चैलेंजेस भी तो होते होंगे ना भाई, इसमें उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आती हो या उसने किस तरह से लेके चलना है, तो ये चैलेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एचआर टीम को या एचआर मैनेजमेंट को जरा फेस करनी है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, ग्रोथ इन कॉन्टिनेंट वर्कफोर्स, डेमोग्राफिक्स एंड डाइवर्सिटी इश्यूज, बैलेंसिंग वर्कफोर्स वर्क एंड फैमिली, एंड ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। इकोनॉमिकल चैलेंजेस, सबसे पहले अभी इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये COVID-19, इसमें सबको इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई, हमारे पास जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी वो जो है वो अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब हुई। जब ये डिस्टर्ब हुई तो हमारी हमें इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी आ गए, अब हमने अपनी सैलरीज जो है ना उसके मुताबिक मैनेज करनी है, ठीक है, उनको उस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। अगर हम भी हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें अगर बारिशें ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो हमारा उसके मुताबिक काम डिस्टर्ब हो गया। टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें अब जो है हमें 4G 3G जो है उसके, अब ये पहले से हम इकोनॉमिकल देखते हैं, इकोनॉमिकल के साथ अब टेक्नोलॉजिकल आते हैं। इकोनॉमिकल चैलेंज हमें ये हुआ कि भी हम लोगों को सैलरीज कैसे देनी है, कि हम लोगों को पॉइंट किस किस तरह से करना है, तो ये इकोनॉमिकल चैलेंज है। इस सर्वाइवल में हमने स्टाफ को सैलरीज कैसे देनी है, कितने परसेंट रिडक्शन करनी है या पूरी देनी है, एम्प्लॉइज का भी ख्याल करना है ना, ठीक है। उसी तरह टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो है कंपेटिटर सेम इंडस्ट्री में जो है वो ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा, ज्यादा शेयर ले जाएगा। जब ये 2G 3G आया तो तमाम इंडस्ट्रीज जो हमारी जो कंपनीज है टेलीकॉम सेक्टर की, सबने लेना शुरू कर दिया कि नहीं किया था। अगर कोई एक रुक जाता तो उसके सारे कस्टमर दूसरा कन्वर्ट कर लेता। अब अगर कोई 5G ले आता है, ठीक है, जो हम स्पीड कंसर्न्स लोग हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी तरफ मूव करेंगे, अपने नंबर्स कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो भी इसीलिए ये भी एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। और हमें अगर वो हम अपने उसमें सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो मुझे उस तरह के लोग भी तो चाहिए जो मुझे जो है ना वो टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कर सकें। तो ये HR मैनेजर्स को ये सबसे पहला जो है ना ये दो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल। फिर वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी, मैंने एक ऐसी जगह पे अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया जहाँ पे मुझे वर्कफोर्स ही नहीं मिलती, ठीक है, मुझे कोई अच्छा, अगर मैं हम बात करूँ अपने अपने रीजन की बात करूँ, अगर मैं हम यहाँ पे कमालिया में है, भावन नगर में है, इसमें है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे PhD बंदा चाहिए CS के पढ़ाने के लिए, अगर मुझे चाहिए तो मुझे अपने इस छोटे एरिया में जो शायद मुझे PhD ना मिले, ठीक है, या मुझे कोई ऐसा कोई स्किल लेवल का बंदा चाहिए जो मेरी चीज़ों को मशीन को ऑपरेट कर रहा हो, तो मुझे यहाँ पे इस एरिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, हम होते हैं स्किल्ड, हम इन छोटे एरियाज के लोग ही स्किल्ड होते हैं, लेकिन हम मूव कर जाते हैं बड़े शहरों की तरफ उधर की जॉब के लिए। अगर मैंने इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई है तो मुझे यहाँ पे तो लोग नहीं मिलेंगे ना, या मुझे उस तरह का नॉलेजेबल बंदा ही नहीं मिलेगा, तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि नहीं है। अगर मुझे बंदे मिल गए उनकी वो क्वालिटी नहीं है उस तरह की, उनमें बेसिक स्किल्स ही नहीं है, उनको एजुकेशन मुझे एजुकेट करना पड़े, तो ये भी तो HR मैनेजर का एक चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड चैलेंज देखते हैं, ग्रोथ इन कॉन्टिजेंट वर्कफोर्स। अब हमें जो है ना कुछ ऐसा होता है कि भी हमें बाज मरतबा ऐसी जो है ना वो वर्कफोर्स भी अपॉइंट करनी पड़ती है जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते, ठीक है, जो पार्ट टाइमर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ मैंने कैसे चलना है। मैं अपने परमानेंट स्टाफ मेंबर को तो कह दूंगा कि आपने 9 to 5 आना है, जिसको मैंने पार्ट टाइम पे रखा है उसको तो नहीं मैं कह सकता। मैंने टास्क जो है जो ना मुझे, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैंने वो टास्क दिया, मेरे पास कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, कुछ मैंने जो पोर्शन है वो मैंने दे दिया जो है ना वो फ्रीलांसर को। अब फ्रीलांसर को मैं बाउंड नहीं कर सकता कि भाई यार इतने घंटे में बैठ के मुझे देना है, मुझे तो उसके मुताबिक चलना पड़ेगा ना, ठीक है, उसको मुझे उसके मुताबिक ही फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके मुताबिक मुझे बाकी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। तो ये जो है ना ये भी हमारे पास एक चैलेंज होगा, क्योंकि अब जो है वो चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि भी आप जो है ना वो एक ही जगह पे बैठकर ऑपरेट नहीं कर सकते। उबर क्रीम, इसके जितने जो ड्राइवर्स हैं उबर क्रीम का कोई आप समझते हैं कि कोई एक भी अपनी गाड़ी होगी? नहीं, वो इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि भी वो सारी जो है ना वो गाड़ियाँ लोगों की गाड़ियाँ उसी में काम कर रहे हैं। ये जो अमेजोन है सबसे बड़ी जो है वो कंपनी जिसमें आप एक सुई से लेकर एक
एरोप्लेन तक परचेज कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना एक भी स्टोर नहीं है। ठीक है, क्या फिर क्या वो अपने एम्प्लॉयज को उस तरह से फोर्स कर सकते हैं? इसीलिए ये नहीं है ना, उनको ना फायर कर सकते हैं, उन्हें ये बाकी है, ये उन्हें प्रॉपरली दूसरों के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये भी एक जो है ना वो एचआर मैनेजर को ये चैलेंज आता है, उन लोगों को मैंने कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो एक ये चैलेंज होगा उनका। फिर उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ऑर्गेनाइजेशंस रीस्ट्रक्चर हो जाती है सारी की सारी, ठीक है, अपना बिजनेस ही चेंज कर लेती है सारा। ठीक है, या किसी और कंपनी को एक्वायर कर लेती हैं या मर्ज कर लेती हैं। मर्जर्स का पता है आपको, मर्जर और एक्विजिशन में क्या फर्क है, कोई आइडिया है? चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। मर्जर्स होते हैं कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हो गई, ठीक है, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, वारिद और जैज इनका मर्जर हो गया, अब दोनों मिलकर काम कर रही है। ठीक है, अब क्रीम को उबर ने ही खरीद लिया है, ठीक है, इनका मर्जर हो गया। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज में अगर बड़ी कंपनी की बात करें, ठीक है, तो ये अगर दो मिलकर काम कर रही हो तो उसे हम मर्जर कहते हैं। ठीक है, जब मर्जर हो जाए ना तो फिर उसमें दोनों के एम्प्लाइज आ जाते हैं। एचआर डिपार्टमेंट तो अगर दोनों में था तो भी वो इकट्ठा हो जाता है, फिर वो दोनों के को साथ लेकर चलना ये भी एक तो उसमें एक चैलेंज के तौर पर आता है। ठीक है, एक्विजिशन क्या होती है? एक्विजिशन होती है कि मैंने छोटी कंपनी को उसी में एक्वायर कर लिया, उसे परचेज ही कर लिया है, उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। ठीक है, वो एक्वायर है। ठीक है, अगर कुछ पुराने स्टूडेंट उसमें एज वाइज में हो तो उसमें देखा कि आपके आइसक्रीम चलती थी पोल का, ठीक है, उसमें बाकी चीजें उसमें वो बाकी जो नई आई है वॉल्स आई बाकी चीजें उन्होंने पहले सबसे पहले उनको एक्वायर कर लिया, उनके सारे शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को उसने परचेज कर लिया। ठीक है, ये कुछ कुछ मर्जर्स में चीजें आती है, कुछ एक्विजिशन। एक्विजिशन में एक कंपनी का जो है ना वो नाम ही खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर वो दूसरी कंपनी उसको अपना नाम ले लेती है। बड़े स्टोर्स की हम बात करें, मेट्रो और मैक्रो, ये दो बड़े स्टोर थे जो पाकिस्तान में चेन्स आई थी, तीन चेन्स आई थी, इसमें एक मेट्रो थी, मैक्रो थी और ये हाइपर स्टार थी। ठीक है, आपका अगर विजिट हो तो बड़े शहरों में इसमें तो आपको मिलेगा, उसमें देखेंगे। ठीक है, मेट्रो ने मैक्रो को एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने से अब उसने चैलेंजेस क्या रहे, उनके पास स्टाफ ज्यादा हो गया, अब मुझे अगर किसी एक स्टोर में एक बंदा चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी मेट्रो में भी है, मैक्रो में भी है, तो उनको अगर टर्मिनेट करना है, उनकी डाउन साइजिंग करनी है, राइट साइजिंग। डाउन साइजिंग को हम एक और वर्ड यूज करते हैं, राइट साइजिंग, दिस वन, राइट साइजिंग, एक जस्ट वर्ड बोला था, वर्ड एक्चुअल में होता ही डाउन साइजिंग होता है। इसको कहते हैं क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, एलिमिनेटिंग ऑफ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लोजिंग फैसिलिटीज, ठीक है, मर्जरिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड पुटिंग प्लेस वर्कर्स। मतलब ये होता है कि भी अगर हम दोनों के पास वही सेम लेवल के थे तो मैंने देखना जो अच्छे वाला बंदा है मैं उसको रख लूंगा, बाकी को मैं टर्मिनेट कर दूंगा, ये बाकी को राइट साइज कर दूंगा। वो राइट साइज के डिफरेंट तरीके होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कि उसको हम नोटिस पे देकर सेल फ्री कर रहे हैं, फॉरन कर रहे हैं, ये किस किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो है ना वो एचआर मैनेजर के लिए एक चैलेंज होगा। ठीक है, तो ये हमने चार ये चैलेंज डिस्कस किए। पांचवा जी, बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली। ठीक है, मुझे टास्क ऐसे देने हैं कि उसकी जो है ना वो फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, मैं कोई ऐसे टास्क ना दूं अपने स्टाफ को कि जो उसे वो घर में बैठ के भी करना पड़े। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो ना भी अब सिंगल पेरेंट होते हैं, या तो होता है कि भी फादर नहीं है, या डाइवोर्सड होते हैं, या कुछ भी, अब कोई भी एक होता है सिंगल पेरेंट होते हैं, क्योंकि ऐसी फैमिली मेम्बर ही हमारे पास ऐसा है जो अकेला, जिसने अपने बच्चों को भी संभालना है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास फीमेल स्टाफ मेंबर है और वो सिंगल पेरेंट है, ठीक है, तो मुझे उसके मुताबिक उसे टास्क देना, ऐसा टास्क ना दूं कि वो इस चीज में डिस्टर्ब हो जाए, या तो वो अपने बच्चों को संभालेगी या काम करे। अच्छा, अभी इसमें हमने मैंने जो डिस्कस किया मैं दोबारा से बता देता हूँ, ड्यूल करियर कपल्स हैं, क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने पूरे कपल मतलब फैमिली को जो है ना वो अपॉइंट किया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें जो है ना वो प्रॉब्लम्स भी फेस हो सकती हैं, कि अगर एक को कोई प्रॉब्लम आई है तो दूसरे ने साथ उसके जाना ही जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स होते हैं, जैसे मेरा एम्प्लाई है वो अगर मतलब उसके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हुई हुई है, उसे बच्चों को भी हैंडल करना है, या वो डाइवोर्स ही है तो उसे अपने बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली हैंडल करना है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली उसकी पॉलिसीज देखनी पड़ेगी, मुझे उसके मुताबिक जो है ना एज एच आर मैनेजर को जो है ना उसे रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। कुछ की फैमिलीज को जो है ना ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं, ठीक है, उसके मुताबिक उन्हें जो अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, कुछ फैसिलिटेट करना पड़ता है। मदर्स एंड फैमिलीज को डे केयर देना पड़ता है, चाइल्ड केयर के लिए अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में हम एक जो है ना डे केयर सेंटर बना देते हैं, कि जो मदर्स जो काम कर रही हैं, जो
फीमेल्स काम कर रही हैं उनको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने बच्चों को साथ ही ले आए, तो अपने बच्चों को जो छोटे बच्चे उनको नहीं छोड़ सकती घर में तो साथ ले आए, ठीक है, तो उस तरह से उनको अकॉर्डिंगली जो है ना वो ये फैसिलिटी देनी पड़ती है, ये भी एचआर का चैलेंज है, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक्स एंड डाइवर्सिटी इश्यूज भी हैं, वो क्या होते हैं, डाइवर्सिटी क्या होती है कि भी डाइवर्स वर्कफोर्स होती है हमारे पास, हम नेशनली लेवल में बात करें इंटरनेशनली अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास हमारे पास डाइवर्स वर्कफोर्स होगी, कि डिफरेंट रेस के जो लोग होंगे, हर बंदा डिफरेंट रीजन से हो सकता है, डिफरेंट जेंडर के हो सकते हैं, एज लेवल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, और रिलीजन वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, हमें उसके मुताबिक सबको जो है ना वो उसके मुताबिक पॉलिसीज बनानी है। मुझे अगर रमजान में वर्किंग आवर्स कम करने हैं तो मुझे इस्लाम मुस्लिम जो मेरे स्टाफ मेंबर है उनके मैंने वर्किंग आवर्स कम कर देने, ठीक है, जो मेरे पास अगर उसके बाद किसी और रिलीजन के लोग हैं वो उनको उनकी मैं टाइमिंग वही रखूंगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ईद में मुझे छुट्टियां देनी है तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली इनको छुट्टियां देनी है, अगर कोई क्रिश्चियन स्टाफ है मुझे तो उसके ईस्टर और उसके क्रिसमस के लिए उन्हें छुट्टियां देनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई और रिलीजन है या कोई और डाइवर्स वर्कफोर्स है फीमेल्स के लिए, मैं वो वर्किंग कंडीशंस नहीं रख सकता जो मेल के लिए रखूंगा, ठीक है। एज लेवल में भी अगर हम बात करते हैं तो एज लेवल में भी हमें कुछ फैसिलिटीज जो है उसके मुताबिक देनी पड़ती हैं, हम अगर मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो एक लेवल तक के जो है ना वो उसमें लोगों को जो है ना मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ओवर एज जितने लोग होते हैं उनको मेडिकल की ज्यादा जरूरत होती है, और जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें जो है ना उसके मुताबिक वो कम जरूरत होती है, तो उसके मुताबिक मैं उनकी पॉलिसी उसके मुताबिक डिजाइन करूंगा, ठीक है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो एचआर को फेस करने पड़ते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारा जो है ना पूरा उसका था जो हमने पूरी आज स्लाइड में हमने जो डिस्कस किया चैप्टर वन में, ये उसका पूरी की एक समरी है, ठीक है। उसकी सबसे पहले हमने एचआर को डिस्कस किया था, एचआर के उसमें जो है हमने एवोल्यूशन देखी थी कि एवोल्यूशन की भी क्या है, क्राफ्ट सिस्टम था, क्राफ्ट सिस्टम में आपके पास इंडस्ट्रीज कम थी, ठीक है, उसकी में आपके पास जैसे इंक्रीज हुई तो उसके मुताबिक चीजें आपकी इंक्रीज हुई। साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, उसमें जो रोल्स है डिफरेंट ये भी आपको चार फंक्शंस को डिस्कस किया गया, आपकी चार चीजें डिस्कस हुई जो थी मेन, कि आपके पास जो आपको एक रोल डिफाइन करना होगा और किस किस तरह से काम करने, मैं जल्दी जल्दी से हम पूरी स्लाइड्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पुटिंग ए बेस्ट वे हमने एक चूज करना है, और हमने एम्प्लाइज को जो राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है उसके टूल्स और इक्विपमेंट के साथ, एक एसओपीज बनाने हैं हर चीज के लिए, हैविंग स्टैंडर्ड मेथड्स होने चाहिए, फिर उसके बाद हमने उन्हें इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने हैं, ठीक है। फिर जो रेगुलेशन में ह्यूमन रिलेशंस में आया था हॉर्टन स्टडीज में, उसने कहा था कि एम्प्लाइज रिलेशंस की भी बात करें, एम्प्लाइज पार्टिसिपेशन की बात करें कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। फिर जो हमने बात की थी बिहेवियरल साइंसेज की, एम्प्लाइज के बिहेवियर को भी स्टडी किया जाए कि वो काम किस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर के मुताबिक चीजें की जाए और एम्प्लाइज को जो है वो एसेट समझा जाए। फिर पर्सोनल मैनेजमेंट में एचआर के बेसिक फंक्शंस इन्वॉल्व हुए, एचआर मैनेजमेंट में उसके बाकी फंक्शंस जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, करियर डेवलपमेंट है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हुई। इंटेलेक्चुअल उसमें जो हमने कहा कि दोनों को जो है ना वो इसके अकॉर्डिंगली डायनामिक होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को भी और दूसरी उसमें एम्प्लाइज को भी। फिर हमने जो है एचआर के चार फंक्शंस देखे, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन और मेंटेनेंस, वन बाय वन इन सबको डिस्कस किया। स्टाफिंग में हम सबसे पहले तीन फंक्शंस हैं, स्ट्रेटेजिक एचआरपी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एक्टिविटीज। इसमें स्टाफिंग के जो मेन हमने देखा कि भाई हमने सबसे पहले देखना है कि भाई हमने ऐसे स्टाफ को एक्वायर करना है जो हमारे लिए यूजफुल हो। इसके हमने जो फंक्शंस में देखा जी एचआर प्लानिंग वो करने के भी हमें कितने लोग चाहिए, किस कैलिबर के चाहिए, किस किस जगह पे हमने पॉइंट करने हैं, किस चीज के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने के लिए। रिक्रूटमेंट में हमने कहा जी कि रिक्रूटमेंट हमने एक पूल जनरेट किया जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैक्सिमम पूल जनरेट हो, फिर उसी के पूल में से हमने जो है ना वो बेस्ट कैंडिडेट जो है ना वो चूज किया, ये सिलेक्शन हो गई, ठीक है। दूसरा फंक्शन था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग होती है करंट जॉब के लिए और डेवलपमेंट होती है फॉर द फ्यूचर जॉब। ओरिएंटेशन आप सबसे पहले इसमें जो पांच फंक्शंस में है, ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट। ओरिएंटेशन में आपके पास आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके वर्क प्लेस को, लोगों के साथ फेमिलियर करते हैं, उसको सारी चीजें बताते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग में आप एम्प्लॉयज को करंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं कि आपने ये टास्क अच्छे तरीके से कैसे करना है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में आप उस करंट जॉब के साथ साथ उसको ट्रेन इस तरह से करते हैं, उसको एडिशनल असाइनमेंट्स देते हैं कि उसको फ्यूचर जॉब के लिए जिसको हम प्रमोट करना चाहें उसको हम एम्प्लॉय डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ साथ जो है वो आपकी आपका करियर कैडर आपको बता दी जाते हैं, उसके करियर डेवलपमेंट करियर कैडर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आपने उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उन सबको जो है ना आपने अडॉप्ट करना है, रिस्ट्रक्चर करना है ताकि आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें।
करियर डेवलपमेंट, आपने करियर कैडर आपको बता दिया इंटर्न से लेकर आपको जो है सीनियर मैनेजमेंट तक आपने किस तरह से चलना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन का जो थर्ड फंक्शन है, मोटिवेशन में हमने कहा था जी इनर फोर्स जो आपको जो है ना मोटिवेट करे कोई काम करने के लिए, वो मोटिवेशन होती है। और वो आपके जो जो चार फंक्शन है मोटिवेशन, तीन फंक्शन है मोटिवेशन के लिए, वो चार, ठीक है, वो इस तरह ये चीजें होंगी तो आप मोटिवेट होंगे, आपकी जॉब उसके मुताबिक होगी जिस तरह से आप मतलब आप कर सकते हैं उसको इजीली कर सकते हैं, और उसके मुताबिक होगी कि जो आप में कैपेबिलिटीज हैं तो आप मोटिवेट होंगे, आपकी परफॉर्मेंस अवेलुएट हो रही होगी तो आप मोटिवेट होंगे। जैसे स्टूडेंट्स सारे पढ़ रहे हो, मैं आपसे कोई टेस्ट लूँ ही ना, ठीक है, तो आ ही जा रहे हैं तो हम टेस्ट तो होना नहीं, कोई चलते रहे जैसा हो रहा है, तो फिर इससे डिमोटिवेशन होती है, आप वो तरह से काम करना छोड़ देते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गई, उसको प्रॉपरली कंपनसेट नहीं किया गया, सबने काम किया, मैंने सबको एक तरह के नंबर दे दिए, इसमें डीमोटिवेशन हो जाएगी। अगर मैं अच्छे काम करने वाले को अच्छे नंबर दूंगा, जिसके नहीं अच्छे थे उसको मैं प्रॉपरली बताऊंगा किस तरह से इम्प्रूव करना है, इस तरह से मोटिवेट होगी और काम अच्छा करते रहेंगे। इन सब चीजों के साथ साथ अगर मैं एडिशनल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दूंगा, रिवार्ड्स भी दूंगा, तो वो एम्प्लॉई बेनिफिट्स में आएगा, ठीक है। फिर लास्ट फंक्शन जो इसका था मेंटेनेंस था, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी था, इसमें आपने सबसे पहले जो जितने हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करने हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए जो हेल्थ सेफ्टी की चीजें रिक्वायर्ड है वो आपने जरूर एम्प्लॉइज को देनी है, ठीक है। ये कंपोनेंट होगा आपकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो भी बात जो डिसीजन हो वो सब तक प्रॉपरली कम्युनिकेट हो, और अगर एम्प्लॉइज में जो भी ग्रीवनेंस हो रही है या कोई लड़ाई होगी या कोई होगी या इनकी जो यूनियंस हैं उनके जो मुतालबात हैं वो प्रॉपरली सुने जा रहे हैं तो ये मेंटेनेंस में आएंगे। फिर रोल्स हमने चार बताए थे, क्लरिकल, और उसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑपरेशनल है, एम्प्लॉय एडवोकेट है, स्ट्रेटेजिक रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आपके क्लरिकल रोल से पे रोल वगैरह, एम्प्लॉय एडवोकेट में आपके पास होते हैं कि आप एम्प्लॉय का एज ए एडवोकेट वकील बनकर जो है ना वो बात कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के साथ। ऑपरेशन रोल में आप इनकी तमाम फंक्शंस हैं, हायरिंग है, ट्रेनिंग है, कंपोनेंट्स है, ये सारे को साथ में कंपनसेटिंग में कर रहे होते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक रोल में आप जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और आप बाकी से सारी जो है ना वो सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलकर कर रहे होते हैं स्ट्रेटेजिक रोल। और उसके बाद हमने चैलेंजेस डिस्कस किए वन बाय वन। इकोनॉमिकल चैलेंजेस में जैसे अब इकोनॉमिकल हालात हैं तो उसके मुताबिक मुझे कोई डिसीजन लेने हैं, मैंने सैलरीज उसके मुताबिक करनी है, मैंने उसके मुताबिक ही नई अपॉइंटमेंट्स करनी है। टेक्नोलॉजी आ गई तो मुझे टेक्नोलॉजी के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग करवानी है, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवानी है। फिर वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी में मुझे ऐसी जगह पे नहीं यूनिट लगाना जहाँ पे मुझे वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, तो ये भी मेरे लिए चैलेंज है। मुझे क्वालिटी वर्कर्स चाहिए तो वो चैलेंज है। कॉन्टिजेंट वर्कफोर्स जो है, जो जिसे हम अपने परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं कहते, उनको मैंने कैसे लेकर चलना है, जो मैंने अपने काम करवाने हैं, मैंने फ्री लांसिंग करवानी है तो मैंने किस किस तरह से करवानी है, उनको कैसे हैंडल करना है। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स एंड डाइवर्सिटी इश्यूज में कि आपके पास ये हो सकता है कि भी आप डिफरेंट डेमोग्राफिक्स में आपके लोग काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक मेरा पंजाब में यूनिट है, एक मेरा सिंध में यूनिट है, एक मेरा दूसरी जगह में यूनिट है, तो ये डेमोग्राफिक्स चेंज है, उनको मैंने कैसे हैंडल करना है। वर्क लाइफ फैमिली को मैंने कैसे मैनेज करना है कि मुझे जो है वो सिंगल पेरेंट को उस तरह से पॉलिसीज देनी है, मुझे कोई ट्रेडिशनल फैमिली है उनको उस तरह से लेके चलना है, कोई मदर है जो मेरी अच्छी वर्कर है तो मुझे उसके लिए डे केयर अरेंज करके देना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, अगर रीस्ट्रक्चर हो रही है तो मुझे उसके मुताबिक स्टाफ को लेके चलना है। मर्जर हो गया हमारा, मेरे पास स्टाफ उस तरह से हो गया, दो कंपनीज का मिलकर हो गया, तो मुझे बेस्ट स्टाफ को रखना है, दूसरे को मैंने एलिमिनेट करना है, डाउन साइज करना है, ठीक है। और अगर इक्वायर ही हो गया, मैंने पूरी कंपनी खरीद ली या मेरी कंपनी को खरीद लिया गया, तो वो भी मेरा एचआर का चैलेंज होगा, तो मैंने उस तरह से किस तरह से सर्वाइव करना है। तो ये सारे जो है ना एचआर के चैलेंज थे जो हमने बंदों में सारे डिस्कस किए। आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है।